आज मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि क्या किसी बेटी की निर्मम हत्या को दुर्घटना कहना उचित होगा। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया कि श्रद्धा वालकर के साथ जो हुआ वो एक दुर्घटना है। हम सब जानते हैं न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से कि कैसे देश की बेटी श्रद्धा वालकर के साथ एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही मैं कहूँगी गलत हादसा हुआ, जिस बर्बरता के साथ और बेरहमी के साथ आफताब पूनावाला ने उसकी हत्या की और उसके शव के 35 टुकड़े करके दिल्ली के जंगलों में ठिकाने लगाए। उसकी जितनी निंदा करो कम है। ऐसे वारदात के बारे में अगर कोई ये कहे कि ये दुर्घटना है तो ये अनुचित होगा, ख़ास तौर पर अगर वो शख्स कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हों। मैं जानना चाहती हूँ गहलोत जी से कि अगर उस बेटी का नाम श्रद्धा ना होकर शबनम होता तो क्या वो इस घिनौने वारदात को दुर्घटना कहते? बिल्कुल नहीं। वो तो उस बेटी के घर वालों के पास जाकर उन्हें सहानुभूति दिखाते। तो फिर श्रद्धा के मामले में वो इस हादसे को, इस हत्या को दुर्घटना क्यों कह रहे हैं? क्या वो आफताब पूनावाला के इस संगीन अपराध को कम करके उन्हें क्लीन चिट देना चाह रहे हैं? आखिर क्यों? तुष्टीकरण की राजनीति से हमें क्या हासिल हुआ है? लड़की चाहे मुसलमान हो या ईसाई हो या हिंदू हो, क्या वो इंसाफ की हकदार नहीं होती है यदि उसके साथ अन्याय होता है? जब मुझे एहसास हुआ कि गहलोत जी ने इतनी बड़ी बात कह दी इस अपराध के बारे में, तब मुझे लगा कि नहीं, एक बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते मुझे बात करनी चाहिए इस विषय पर। आप बताइए। जिस तरह से ये सारा वारदात हुआ, आप जो है इस मुद्दे पर आज आपने उठाया, कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया पे ऐसी भी बातें होने लगी हैं कि आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। व्हाट जी, देखिए ऐसा नहीं है कि जिनको राजनीति का हिस्सा बनना होता है सिर्फ वो देश के मुद्दों पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। मैं मानती हूँ कि श्रद्धा हमारी बहन थी, हमारी दोस्त थी, तो क्या हम उसके बारे में बात ना करें? तो क्या हुआ अगर उसने किसी दूसरी माँ के कोख से जन्म लिया? हम सब जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, हम सब भारत देश के नागरिक हैं, और जो उसके साथ हुआ वो मैं बता नहीं सकती, सोच कर भी अजीब लगता है। वो बहुत ही घिनौना था, यानि एक लड़की को प्यार में, प्यार के जाल में फंसा कर और धीरे धीरे उसे अपने काबू में करना, अपने वश में करना, और फिर
जब वो उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है तब उसे कमज़ोर बनाना मानसिक रूप से, और फिर एक दिन उसकी निर्मम हत्या करना, ये आमतौर पर हम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन अब ये दरिंदगी, ये हैवानियत, ये हम असल ज़िंदगी में देख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गहलोत जी ज़रा गौर फरमाएं और ऐसे वारदात को वो दुर्घटना ना कहें, क्योंकि राजस्थान जो राज्य है वहाँ केवल मुसलमान नहीं बसते हैं, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, आप उन सब के मुख्यमंत्री हैं। तो कृपया इस तरह का बयान देकर आप आफ्ताब पूनावाला को क्लीन चिट देने की ज़रूरत की कोशिश ना करें, उसके इस संगीन अपराध को कम करने की कोशिश ना करें, प्लीज़, ये मेरी विनती है आपसे गहलोत जी।